तुम सारे सैक्रिफाइसेस ना मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. एंड लिसन, आई एम सीनियर, सो सीनियर होने का डिस्काउंट आई एम नॉट. कम ऑन प्रणव. कथा के लिए तुम्हारा प्यार देख कर ना मेरा प्यार पर और भरोसा बढ़ गया. पर मुझे एक बात बताओ, अगर कथा मूव ऑन हो चुकी हो. सोनी टीवी के पॉपुलर शो कथा में आप सभी देखेंगे कि कथा और विवान एक साथ आमने सामने आने वाले हैं. जी हाँ, कथा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है सिंगल्स के लिए. वही इसी पार्टी में कई सारे लोग नहीं आते हैं, जहाँ जगह भरने के लिए उसकी टीम कथा को ही बैठा देते हैं चेयर्स पे. इतना ही नहीं, विवान भी वहाँ पे पहुँच गए हैं लीसा के साथ और वो उसको कंपनी दे रहे हैं, जहाँ सभी को एक एक कलर पेपर दिया है और उन्हें अपना पार्टनर चूज करना है. जहाँ हम आप सभी को बता दें कि विवान और कथा का पेपर सेम हो जाएगा और वो कपल की तरह उस इवेंट में शामिल होंगे. इतना ही नहीं, अभी तक विवान को अंदाजा नहीं है कि कथा भी इधर ही है. जहाँ लीसा विवान से पूछती है अगर कथा मूव ऑन हो जाएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे. विवान कहते हैं कि उसे भरोसा है कि कथा ऐसा कुछ नहीं करेगी. अब देखना ये है कि शो में क्या नेट ट्विस्ट आएंगे. और प्लीज आप लोगों को भी बैठना पड़ेगा यार. और कम ऑन, मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं नहीं बैठूं. मैम आप प्लीज बैठ जाओ ना, आप तो हम सबकी रोल मॉडल हो. अरे पता है, आप बैठ जाओगे ना सब लोग खुशी खुशी बैठ जाएंगे, वरना सब नखरे दिखाते रहेंगे. कम ऑन यार, तुम सारे सैक्रिफाइसेस की उम्मीद मुझसे नहीं कर सकते. सॉरी, क्या है मेरा लाइन? तुम सारे सैक्रिफाइसेस ना मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. एंड लिसन, आई एम सीनियर, सो सीनियर होने का डिस्काउंट आई एम नॉट. नहीं बनाओ, और ये इमोशनल ब्लैकमेल भी मुझ पर नहीं चाहिए. आई एम नॉट डूइंग. कदा मैम. नो, प्लीज मैम, प्लीज आप थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाना, जैसे ही क्राउड आएगा आप चले जाना. थोड़ी देर. थैंक यू मैम. अच्छा आप लोग प्लीज बच्चे कर लीजिए, ठीक है? एंड इसलिए बहुत लोग जमा हो गए. हम लोग के कुछ फैंस ने एक्चुअली ये पार्टी थ्रो किया है. हाँ, बहुत गुस्से में थे उन लोग, तो दे हैव कम टुगेदर. नहीं देखा है.
एक्चुअली और हाँ और ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया आपको पता है ना मोइन बेग ने. मोइन बेग जी इज अ राइटर फ्रॉम संजय लीला भंसाली सर्स कैंप एंड उन्होंने पैसे दिए ये सारा तामझाम करने के लिए. हाँ कि चाहते व्यान और कथा साथ में हो जाए. लीजा उनको बहुत उनका बहुत मन था जाने का. शी रियली रियली वांटेड टू गो एंड आई सॉ हाउ एक्साइटेड शी वाज. तो मैंने उनको कंपनी देने के लिए. इज इट लाइक अदनान जो हमेशा ऐसे पार्टी के लिए बोलता है ना. नहीं यार अभी बड़ा तरंगी टाइम आ गया. यानी मैं 10 महीने में एक बार पार्टी करने का दिल करता है. अच्छा कर. हां महीने में एक बार. बट मना कर देता हूं मैं अपने आप को. मैं बोलता नहीं नहीं कुछ फायदा नहीं. नहीं नहीं कुछ नहीं होता है. वो व्यान से अदनान में जाता. नहीं नहीं आई डोंट. नहीं कुछ नहीं है. मेरी पार्टी मेरी बेस्ट पार्टी आपको बोलूं जो ना मुझे नुकसान देती है बहुत वो मम्मा के साथ या तो दली जायका माहिम में या मेरे अंकल के साथ. अंकल ईट्स जापानीज सुमिसू. दैट्स माय कूल पार्टी. आपका पार्टी क्या है? मेरा तो हर आपका. हाँ ऐसा लगता है लाइफ ही पार्टी आपका. यू वेक अप इन द मॉर्निंग इट इज अ पार्टी. माय पीपल. हाँ थोड़े से कम हो गए क्योंकि स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. पर इट्स ओके. इट्स नाइस. इट्स वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू जो भी हम कर रहे हैं. हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. या वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड जितने भी लोग हैं वी विल कंटिन्यू पुटिंग आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड लाइक दिस. सी या टू लेट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड. पुटिंग आवर बेस्ट फुट. टेक आवर बेस्ट फुट. हाँ बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग को पता है मुझे और अदिति को पता है कि एक भी इंसान एक भी फैन है हम लोग के शो का देखते रहेगा. वी विल गिव यू द बेस्ट ऑफ व्हाट वी कैन एंड एवरीवन. एज शी सेड आवर शो टाइम इज मूविंग टू 7 PM फ्रॉम 30th ऑफ नवंबर. आई लव इट. एब्सोल्युटली लव इट. आई लव 7 o'clock. इट्स सच अ नाइस टाइम. या वी लाइक 7 o'clock. 7 o'clock इज अमेजिंग. वी विल गेट न्यू फैन बेस टू टारगेट. होपफुली न्यू ऑडियंस विल बी पुल्ड टुवर्ड्स कथा. वी विल डू इट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो ये है अदनान खान और आपका स्वागत है IMW बज़ में. और मैं हूँ अदिति देव शर्मा के साथ. जी बिल्कुल. और मैं हूँ अदिति देव शर्मा. हाँ ये है अदिति देव शर्मा. थैंक यू. थैंक यू.